Hello and welcome to Himachal Pradesh. This is the entry to Leh Ladakh and we are now moving towards Leh Ladakh. Hi, this is Khushbu Jain and welcome to Himachal Pradesh. I am live here from Himachal Pradesh. Here you can see that is Atal Tunnel, Rohtang. Now we are going to enter Atal Tunnel, which is 9 kilometers long tunnel, and this is the India's longest tunnel. So I'm going to start my dream journey to Leh Ladakh. The weather right now is 20 degrees centigrade and I can feel a little bit hot here because we are going to enter. So hoping for a blissful journey. It's a dream trip and I'm going to Leh Ladakh for the very first time. So I'm super excited. Wow, what a view. So this is the inside view of Atal Tunnel and this is 9 kilometers long. That's so beautiful. I'm going in a private car. I have hired a private car from Manali to Leh Ladakh and it cost me around 15k. You can get any cheaper or higher price as well. Depends on your bargaining process. ये टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे है 10,000 फीट के अबोव और इसे रोहतांग पास के अंडर बनाया गया है। राइट नाउ आई एम हियर एट अटल टनल व्हिच इज बिल्ट अंडर रोहतांग पास एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल विद अ लेंथ ऑफ 9.2 किलोमीटर एंड इट हैज बीन नेम्ड After our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji. Hi friends, मैं यहाँ पे हूँ अटल टनल में जो कि 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है जिसे हमारे former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji के नाम पे बना हुआ है और यहाँ पे ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है चंद्रा रिवर जो कि यहाँ से सीधे पाकिस्तान जाती है और आगे वो एक और नदी से मिलती है जिसका नाम है भागा और दोनों मिल के हो जाते हैं चंद्रभागा और ये हैं हमारे ड्राइवर भैया हेलो ये है इनका नाम है ओमी ये मुझे लेके जाने वाले हैं लेह लद्दाख के ट्रिप में जो कि मेरी मनाली से जर्नी शुरू हुई है और अभी हमने अटल टनल क्रॉस किया है मैंने अपनी एक प्राइवेट SUV हायर की है और ये मेरे ड्राइवर भैया हैं जिनका नाम है ओमी और भैया ये यहाँ से हम कब तक पहुँच जाएंगे लद्दाख मैक्सिमम तो हमारे को तो 10 या 12 घंटे लगेंगे कंटिन्यू चलने पे तो लद्दाख में के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो मैम को मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे व्यू है और अच्छे अच्छे पॉइंट है और बाकी मैम अपनी तरफ से फॉलो करेगी सो मेरे जो ड्राइवर भैया हैं वो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई एम होपिंग फॉर ए वंडरफुल जर्नी टू लेह लद्दाख अगर आप मनाली से लेह की जर्नी रोहतांग पास के थ्रू से करना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 AM और 5 AM आपको मनाली से निकलना चाहिए तभी आप रात तक लेह लद्दाख पहुंच पाएंगे और अगर आपने देरी कर दी तो आपको सरचू में अपना एक स्टॉप लेना पड़ेगा यू हैव टू स्टे ओवरनाइट एट सरचू सो मेक श्योर यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग तो ये है चंद्र नदी और वो जो आप देख रहे हैं वो है भागा यहाँ से करीब 82 किलोमीटर्स के बाद हम क्रॉस करेंगे बारालाचा पास जो कि इस रूट का एक हाई पास है फुल्ली स्नो से भरा हुआ है और आप ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी निकले वरना सनसेट हो जाएगा और आपको एक स्टॉपेज लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टॉप समवेयर इन सरचू देन यू कैन स्टार्ट लेट एंड यू कैन एंजॉय द होल जर्नी मैं पर्सनली स्लो ट्रैवलिंग प्रिफर करती हूँ बिकॉज आई इंजॉय द जर्नी एंड सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चेक पोस्ट हियर दिखाने थे एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेह
ये सारे थोड़े हॉरिबल रोड्स हैं लद्दाख के रूट में। आप देख सकते हैं कितना नैरो रोड है और कैसे गाड़ियाँ पास हो रही हैं। यहाँ पे हमने तो साइड कर दिया है गाड़ी अपनी, एंड दे आर क्वाइट हॉरिबल। आएंगे बारालाचला पास और वहां पे हमें मिलेंगे बर्फीले पहाड़। एक्साइटेड। और बारालाचला पास से कुछ किलोमीटर्स पहले हमें ये जिंगजिंग बार पॉइंट मिलता है जहां पे हम कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी और सम स्नैक्स। सो इसके बाद काफ़ी किलोमीटर्स तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सो यू कैन स्टॉप हियर एंड हैव समथिंग। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको थोड़ी बहुत ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं, सो मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आप धीरे धीरे पानी पीते रहिए थ्रू आउट दी जर्नी एंड यू विल बी फाइन। और यहीं से हम एंटर करेंगे जेके एरिया, ऑल्सो नाउ इट इज लद्दाख। ये है हमारा ब्रिज दैट कनेक्ट्स लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। वो है सरचू ब्रिज जो कि हिमाचल प्रदेश और जेके को कनेक्ट करती है। और अभी मैं यहाँ पर हूँ जेके बॉर्डर में जो कि जम्मू एंड कश्मीर की एंट्री बॉर्डर है, दैट वन यू कैन सी। और ये है चेक पॉइंट जहाँ पे हमें अपनी करंट आरटीपीसीआर की रिपोर्ट शो करनी है। हमारे पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है और हमने शो कर दी है, तो प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लद्दाख यू मस्ट कैरी योर आरटीपीसीआर रिपोर्ट। So here we reached Sarchu and there is one checkpoint and here Himachal Pradesh ends. Now we are going to enter Ladakh Union Territory. Hi friends, अभी बज रहे हैं करीबन रात के 12 और अभी हम यहाँ पांक पहुँचे हैं। बहुत ही difficult roads cross करके, roads were really horrible. I won't prefer ever coming after sunset. तो मैं recommend करूँगी कभी भी आप sunset के बाद इस area में ना आएँ। हमें late हो गया और हम 12 बजे तक यहाँ पर हमारा stoppage है
पांग में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें एक छोटा सा आशियाना मिला है जो कि एक आंटी ने हमें दी है। यहीं पे हम रात भर रहेंगे आज। बाय बाय। आपका नाम क्या है आंटी? शांति। शांति, तो हम शांति आंटी के घर पे रहेंगे यहाँ पांग में और ये हमें अभी रात को 12 बजे खिला रही है मैगी। मैगी सूप। मैगी और ये सूप। सूप, सूप, ओके। और जिसमें से मैंने इनकी हेल्प की वेजिटेबल सूप और मैंने इनकी हेल्प की अनियंस एंड चिलीज काटने में, है ना आंटी? मैंने हेल्प की ना आपकी? ठीक है, ये हमने काटा है ना? हाँ, ये मैंने काटा है। और शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी वेरी काइंड, जो कि हमें इस टाइम पे हमें रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दे रही हैं। थैंक यू आंटी, बाय बाय, बाय बाय। यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप जो कि आंटी बहुत ही प्यार से बना रही है। और इधर बन रही है हमारी मैगी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। दिस इज टी मेकर हियर। आंटी इसी में चाय बनाती हैं और पीती हैं। तो ये है हमारी गर्मा गर्म सूप, गर्मा गर्म मैगी, मिडनाइट मैगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। और पांग में ओवरनाइट स्टे करके अभी मैं जा रही हूँ लद्दाख की तरफ। जुले, सो दिस इज शांति रेस्टोरेंट इन पांग। सो इफ यू आर स्टेपिंग ऑन द वे, ऑन योर वे टू लद्दाख, यू मस्ट स्टॉप हियर एंड हैव समथिंग, है ना आंटी? हाँ जी। आप बोलिए। हम लोग का नमस्ते का जुले बोलता है। वेरी गुड, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बेटा।